जिले के गुलहरिया थाना क्षेत्र के सरहरी पुलिस चौकी अंतर्गत बनकटवा टोला में मंगलवार देर रात को दो पट्टीदारों में पुआल रखने की बात को लेकर विवाद हो गया और बाद में मारपीट भी हो गई और घटना में घायल एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मुकामी पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बनकटवा निवासी पड़ोही निषाद व उसके पटीदार जगरोपन के बीच मंगलवार की रात में पुआल रखने की मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि कुछ देर बाद जगरोपन के परिवार के रामसागर, बालकेश, सचिन, अंगत ने हॉकी डंडे से पड़ोही के घर हमला कर दिया, जिसमें बाबूलाल उर्फ बबलू पुत्र पड़ोही व जानकी पत्नी पड़ोही गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा पड़ोही की पुत्रवधू मेवाती और गीता भी घायल हो गई। सूचना पर गुलहरिया की सरहरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां बाबूलाल उर्फ बबलू व उसकी माँ जानकी की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ स्थित PGI रेफर कर दिया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही बबलू की मौत हो गई तथा जानकी का इलाज लखनऊ में चल रहा है। वहीं मेवाती व गीता का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस मामले में पुलिस तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, गुलहरिया में सरहरी क्षेत्र में जो दो परिवारों में विवाद में हत्या एक व्यक्ति की हो गई थी, उसमें तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण कंडा और पुआल पकड़ाए उसको रखने की विवाद था। उसमें दोनों पटेदार हैं, वो दोनों एक दूसरे के उसमें जमीन में कह रहे थे कि हमारे पर रख रहे हैं, वो अपनी जमीन उसको बता रहे थे। तो कंडा और पुआल रखने को लेकर विवाद हुआ।